और अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। हफ्ते भर में भारी बिकवाली के बाद शुक्रवार को हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। S&P 500 हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं नैसडैक में करीब 1.5% की रिकवरी देखने को मिली। तो अच्छी रिकवरी यहां पर US बाजारों में देखने को मिली आखिरी हफ्ते में, और डाउ लगभग फ्लैट बंद हुआ। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और मंदी की आशंका से इस हफ्ते अमेरिकी बाजार में 5% से ज़्यादा की गिरावट हुई। वहीं US मार्केट के लिए यह हफ्ता 2020 के बाद सबसे खराब रहा।